हेलो चिल्ड्रन, नए आशा में आपका सभी का स्वागत है। आए दिन घटनाओं में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कई बार आप मायूस भी होते होंगे बच्चों। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप अपने पेरेंट्स से नाराज होते हैं और कहते हैं कि आप हमें ये नहीं देते, आप हमें वो नहीं देते। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक ऐसा भी बच्चा था जिसे पढ़ने का बहुत शौक़ था और वह पढ़ने में बहुत होशियार भी था, परंतु उसके पापा उसके बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वह बच्चा स्कूल जाता था परंतु उसके पास बुक नहीं थी। उसके टीचर पूछते कि आपकी बुक कहाँ है, बच्चा चुप रहता। वह अध्यापक रोज़ पूछता कि आपकी बुक कहाँ है। एक दिन अध्यापक ने सख्ताई से चेतावनी दी कि कल आपको बुक लाना ही होगा, नहीं तो आप क्लास में नहीं आएंगे। बच्चा परेशान हो गया। उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी बुक दोगे? उसका फ्रेंड उसे बुक देने के लिए तैयार हो गया। वह बच्चा उस बुक से सारी रात अपनी कॉपी में उतारता रहा, परंतु जब वो लिख रहा था तभी लालटेन का तेल भी ख़त्म हो गया। जानते उसने क्या किया? वह बाहर जाकर स्ट्रीट लाइट में लिखता रहा। अगले दिन फिर उसके टीचर ने उसे बुक के बारे में पूछा तो उस बच्चे ने अपनी कॉपी दिखाई। उसका अध्यापक यह कॉपी देखकर दंग हो गया। जानते क्यों? क्योंकि उसने बुक से एक एक शब्द उस कॉपी में उतारे थे। बच्चे ने कहा, मेरे पापा नहीं हैं और मेरे पास बुक के लिए पैसे नहीं हैं। यह कहकर वो रोने लगा। टीचर को उस बच्चे पर दया आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, यदि आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कहना। जानते हो यह बच्चा कौन था? यह बच्चा बड़ा होकर हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। जी हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री। वो सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास रखते थे। तो फिर आप समझ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा। उम्मीद है इस घटना से आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नए इंसिडेंट के साथ मैं फिर आऊँगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।